नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल नूर आलम स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज का जो ये वीडियो क्लास है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये वो एरिया है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप अभी तक के जितने भी आए हुए पेपर हैं, चाहे वो आपके लोक सेवा आयोग के एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी के, ये जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उनके सबके पेपर्स मिला लीजिए, ये क्वेश्चन इस एरिया से 100% आना ही आना है और कम मेहनत में आप इसको कर सकते हैं। यानी ये वो एरिया है जहां पर एग्जामिनर की पैरी नजर बनी रहती है हमेशा। जैसे आपका सॉइल है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, आपका ट्राइब्स है, नेशनल पार्क है, बायोरिजर्व, ये वो एरिया है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की संभावना बनी होती है। इसीलिए ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम कुछ टेक्निकल तरीके से हम लोग इनको करेंगे। अमूमन देखा होगा कहीं एक पूरी लिस्ट बनी होती किताब में, यहां ये पाई जाएंगी, आप उसको रट्टा मारिए, है ना। तो अब अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे भारत की अनुसूचित जनजातियों को, जिनको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, तो शेड्यूल ट्राइब्स आखिर ये शेड्यूल ट्राइब्स क्या हैं? सबसे पहले ये देखें, इन शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों का भारतीय संविधान में भी उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद 342 में। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें कि आखिर ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो आम लोगों से डिफरेंट क्यों हैं, और देखा भी होगा अनुसूचित जनजातियों का पूरा जो इनका रहन सहन, यानी जो कह सकते हैं जो मेन समाज, जो मुख्य समाज की आम धारा है, उससे ये कटे हुए होते हैं। तो इनके अगर हम लक्षणों की बात करें तो इनमें देखें तो इनका एक आदिम लक्षण पाए जाते हैं। आदिम का मतलब बहुत ही प्राचीन, वो जो हमेशा से चले आ रहे हैं उसी तरीके से, आज भी अपने आप को अपडेट नहीं किए। दूसरी बात, इनका एक भौगोलिक एरिया अलग होता है, जैसे अमूमन इनका निवास स्थान जंगल। तीसरी की बात करें, इनका एक विशिष्ट संस्कृति होती है, यानी स्पेशल इनका कल्चर। चौथी बात करें, ये आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, इन जो आम समाज हमने कहा ना, उससे मुख्य धारा से अलग होते हैं। तो अब अगर हम लोग ये बात करें कि आखिर ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं इनकी कितनी आबादी है, तो अगर हम लोग अनुसूचित जनजातियों की आबादी की बात करें, भारत की जो कुल आबादी है, यानी भारत की जो 121 करोड़ आबादी है, उसमें से अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज 8.6% है। यानी कि हर 8.5 आदमी जो भारतीय है वो अनुसूचित जनजाति है, यानी कि टोटल आबादी में 8.6% आबादी एसटी है। और जबकि एससी, जिसे अनुसूचित जाति बोलते हैं, हालांकि उसका हम लोग यहां टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए अनुसूचित जनजाति 8.6% है, और जो अनुसूचित जाति जिसे एससी बोलते हैं वो 16.6 है। यदि याद रखने में बहुत आसानी, इनके जस्ट दूने है ना। तो चलिए खैर, दूसरी बात, इनको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे जो कौन किस राज्य में पाई जाएगी, इनके कुछ स्पेशल फीचर। उससे पहले एक चीज और जान ले कि भारत की जो जनसंख्या में जो अनुसूचित जनजातियों की जो बात हो रही है, इनमें जनसंख्या में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाएंगी, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, उसके बाद फिर राजस्थान और गुजरात। यानी टॉप 5 ये वो राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें, देखा होगा परसेंटेज और टोटल आबादी दो अलग अलग बातें हैं। परसेंटेज में देखा जाए कि मिजोरम में लगभग 94% आबादी वहां की एसटी है। यानी अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर, यानी कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका ट्राइबल एरिया है, यहां पर अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज सबसे हाई है। और वो एरिया जहां पर ये बिल्कुल नील पाए जाएंगे वो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पांडिचेरी है। एक बात याद रखिए, पूछा जाता है कि यहां पर एससी परसेंटेज कहां पर हाई है या एसटी परसेंटेज कहां पर हाई है, तो याद रखिए जहां पर अनुसूचित जनजातियां, यानी जहां पर एसटी नील होंगे, यानी पंजाब में एसटी नील है,
तो इसी तरीके से पंजाब में एससी का परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई है, यानी जहां एसटी नील वहां एससी ज्यादा है और जहां पर एससी नील है वहां पर एसटी ज्यादा है, यानी उल्टे एक दूसरे के। तो सबसे ज्यादा अगर एससी का परसेंटेज पूछता तो पंजाब होता, यानी इन राज्यों में एससी आबादी ज्यादा है और इनमें एसटी परसेंटेज ज्यादा है, इनमें एससी परसेंटेज ज्यादा, ऐसे कुछ कह सकते हैं। इसमें नील, इसमें नील, इसमें नील, ये पांच राज्य ऐसे हैं जिनमें एसटी पॉपुलेशन पूरी तरीके से नील है और इन पांच राज्यों में एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। बात भारत की अगर यूपी की करें अगर, तो यूपी में टोटल आबादी में 0.6% आबादी एसटी है और सबसे ज्यादा सोनभद्र में है और सबसे कम बागपत में है। ये तो हो गई कुछ आबादी की बात। अब हम लोग बात करते हैं आखिर ये कौन सी जनजाति किस राज्य में है और कहां पर इनके कुछ स्पेशल फीचर भी। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग देखें यहां पर ये वाला राज्य जम्मू कश्मीर ही है, तो देखा होगा गुज्जर, बकरवाल, लद्दाखी और गद्दी, ये वो जनजातियां हैं जो जम्मू कश्मीर में पाई जाएंगी। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि कई जनजातियों के नाम ऐसे भी हैं जो दो दो तीन तीन राज्यों में लिखे हैं, इसका मतलब वो जनजातियां दो या तीन राज्यों में पाई जाती हैं। अब जैसे अगर हम लोग अब धीमान जम्मू कश्मीर को हो गया, यानी बकरवाल, गुज्जर, गद्दी और लद्दाखी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में देख रहे होंगे आपने फिर गद्दी लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब यह हुआ कि गद्दी हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों में पाए जाते हैं। एक और जनजाति यहां पर मिलती है किन्नर, वो भी आपकी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मिलती है लेकिन हिमाचल में ज्यादा है। उसके बाद उत्तराखंड ये आएगा, उत्तराखंड की अगर बात करें यहां पर राजी मिलते हैं, भूटिया मिलते हैं और जौनसारी मिलते हैं। तो जो आपके जौनसारी हैं ये आपकी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये जौनसारी में एक स्पेशल फीचर है, ये लोग बहुपति प्रथा पर लाते हैं, यानी पॉलीएंड्री का इनमें सिस्टम है। तो अब देखते हैं अगर हम लोग जौनसारी के बाद जो भूटिया है ये लोग कहलाते हैं, इनको ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है, यानी ये गर्मी के दिनों में पहाड़ी एरिया में जानवर चराते चराते ऊपर चले जाते हैं, जब ठंडी का मौसम आता है तो ये नीचे उतर आते हैं, यानी कि एक तरीके के अप डाउन ये करते रहते हैं पहाड़ों पर। अब उसके बाद यानी उत्तराखंड में देख लिया राजी, भूटिया और जौनसारी। यूपी की बात करें, ये यूपी वाला एरिया थारू, माहेगीर, बनरावर। थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और ये थारू आपको दिवाली के त्योहार को ये शोक के रूप में मनाते हैं, यूपी पीसीएस का बिल्कुल रटा रटाया सवाल। थारू के बाद देखते हैं माहेगीर, ये उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है, बाकी सारे के सारे हिंदू धर्म को मानते हैं। फिर आगे आते हैं बनरावत, ये उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी जनजाति है जो आपको ये सबसे आबादी में कम है, यानी उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनसंख्या में अगर जनजाति पूछी जाए तो आपकी बनरावत है। तो यूपी के बाद आप देखते हैं आगे आएंगे हम लोग सिक्किम में, तो सिक्किम में देखिए लेपचा और भूटिया पाए जाएंगे और यही भूटिया आपके उत्तराखंड में भी थे। तो सिक्किम की प्रमुख जनजातियों में लेपचा और भूटिया। अब बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये पूरा जनजातियों से भरा पड़ा है। इनमें अगर देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया जो आपका अरुणाचल प्रदेश का है, इनमें देखिए डफला, आपतानी और मिनयोंग, ये आपके अरुणाचल के हैं, डफला, आपतानी और मिनयोंग अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग देखें ये असम का एरिया पड़ेगा, इसमें अबोर, मिकिर, ये असम की है। यहां पर देखेंगे ये मेघालय है, मेघालय में कौन मिलेंगी, गारो, खासी, जयंतिया, ये यहां की पहाड़ियों के भी नाम है। और अभी पूछा गया था इसी बात पीसीएस में कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब क्रम लगाओ, तो पश्चिम से पूरब क्रम लगाना, अगर इधर से इधर को लगाना, गारो, खासी और जयंतिया इसी क्रम में है जैसा बोला जा रहा। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें इसी में, यहां पर असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अब देखते हैं यहां पर देखते हैं हम, उसके बाद यहां पर देखिए ये मिलेगा आपका मणिपुर, तो मणिपुर में मिलती है कुकी, मिजोरम नीचे है इसमें मिलेगी मिजो और लुसाई, यानी कि मिजो,
जो जो आपका मिजो और लुसाई मिजोरम में, कुकी मणिपुर में, मिकिर अबोर असम में, नागा नागालैंड में, डपला अपतानी मिनियोंग अरुणाचल प्रदेश में, और मेघालय में गारो खासी और जयंतिया। अब बात करते हैं आपके अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार यानी जो आपका यूनियन टेरिटरी है, इसमें देखेंगे यहां पर देख रहे होंगे यहां से लेके और यहां तक चार नाम लिखे हुए हैं। जारवा जो भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति कही जाती है, ओंग सेंटीली और आपका सेम्पेन, ये चार जनजातियां ऐसी हैं जो अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब उसके बाद ये अंडमान निकोबार हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यूपी हो गया, ये कोस्ट एरिया हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फिर इधर से, फिर उसके बाद बचा हुआ ये एरिया। यहां पर अगर देखें तो ये एरिया आपका राजस्थान का है, और राजस्थान में जनजातियों की संख्या है भी ज्यादा, देख भी रहे होंगे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। तो यहां पर एक बंजारा मिलती है, यहां पर मीणा मिलती है, यहीं पर सहरिया मिलती है, और यहीं पर भील मिलती है। ये जनजातियां जो हैं आपकी वो राजस्थान में पाई जाती हैं, और भील एक बड़ी जनजाति है, यानी इनकी संख्या काफी ज्यादा है, और राजस्थान में जगह भी है भीलवाड़ा, वो इन्हीं जनजातियों के ही नाम से उस जगह का नाम भी है। अब उसके बाद अगर हम लोग भील राजस्थान के बाद गुजरात की बात करें, तो गुजरात में देखा होगा भील राजस्थान में भी मिलते हैं, और भील गुजरात में भी मिलते हैं, और भील आपके महाराष्ट्र में भी मिलेंगे, ठीक, और भील आपके कहीं कुछ हद तक यू मध्य प्रदेश में भी थोड़े बहुत पाए जाएंगे। तो भील, लेकिन मेनली भील जो मिलेंगे वो राजस्थान में मिलेंगे। यानी अब यहां पर देखेंगे गुजरात में भी भील, गुजरात की जनजाति है कोली, और आपकी एक डाफर, डाफर कोली और भील, ये वो जनजातियां हैं जो आपकी गुजरात में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में भील और बंजारा, ये महाराष्ट्र में मिलती, हमने कहा नहीं भील कई राज्यों में पाई जाती है, सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर गुजरात में, एमपी में, और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में। उसके बाद अब आगे आते हैं इस एरिया पर, ये देख रहे होंगे रेड कलर से गोंड लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि गोंड पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और गोंड ये अकेले मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं, गोंड मिलते हैं मध्य प्रदेश में, गोंड मिलते हैं आपके छत्तीसगढ़ में, गोंड मिलते हैं आपके महाराष्ट्र में, इसीलिए ये दो तीन राज्यों में पाए जाएंगे, और ये सबसे बड़ी जनजाति है, इसलिए इसको रेड कलर से लिख दिया गया। अब गोंड के बाद देख रहे होंगे लिखा है मारिया, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उसके बाद ये एरिया अगर हम लोग यहां पर मैप में गौर करें, ये एरिया झारखंड का है, इसमें मुंडा और उराव, ये दोनों दोनों जनजातियां आपकी झारखंड की हैं। अब अगर हम लोग देखें यहां पर झारखंड के लगा हुआ, इधर थोड़ा सा इधर हटके देखेंगे पश्चिम बंगाल होगा, यहां की एक जो प्रमुख जनजाति है वो है आपकी संथाल, संथाल हो गई पश्चिम बंगाल की। अगर हम लोग देखें इधर छत्तीसगढ़ और इधर पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये एरिया पड़ेगा उड़ीसा का, इसमें देखेंगे तो इसमें पड़ेगा जुवांग, कोल और संथाल, ये वो एरिया है जहां पर आपका ये उड़ीसा का क्षेत्र आता है, तो इसमें ये तीन जनजातियां पाई जाएंगी। अब उसके बाद में अगर थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे, यानी कि ये एरिया आंध्र प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश की एक दो बड़ी प्रसिद्ध जनजाति है चेंचू और ये आपकी गढ़वा। चेंचू अभी रिसेंटली पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में, तो चेंचू आपके केरल में भी मिलते हैं, यहां पर भी, और आंध्र प्रदेश में भी, तो और ये गढ़वा, ये दो हो गई आंध्र प्रदेश की। अब बात करें आगे, यहां पर बचा है तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में दो प्रमुख जनजातियां हैं, एक है आपकी कोटा और ये टोंडा। टोंडा पर स्टार लगा हुआ है, थारू पर स्टार लगा हुआ है, जौनसारी पर स्टार लगा हुआ है। ये जैसे कि थारू दिवाली को शोक मनाते हैं, ये बहुपति प्रथा अपनाते हैं, तो ये भी बहुपति प्रथा अपनाते हैं। यानी कि जो तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र एरिया है उसमें ये टोंडा जनजाति पाई जाती है, और ये लोग बहुपति प्रथा को अपनाते हैं। अब लास्ट में एक एरिया यहां पर बचा, ये एरिया केरल का, तो केरल में देखेंगे आप एक जनजाति यहां पर कादर, चेंचू और मोपला। जो मोपला है वो इनमें सबसे पॉपुलर जनजाति है, क्योंकि मोपला एक तो जनजाति पर ही सवाल आया करता है, दूसरी बात यहां पर 1900
21 में मोपला नामक एक विद्रोह हुआ था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और ये पूछा कभी कभी जाता है कि मोपला विद्रोह कहां हुआ, ये केरल है, इसका जो तट रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार। तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पे हुआ था। कहां पाए जाएंगे ये मोपला, केरल में। ये बाई रिलीजन इस्लाम को फॉलो करते हैं, यानी अगर हम लोग रिलीजन की बात करें तो मोपला लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। और ये पूछ लेता कभी कभी ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था मोपला विद्रोह, तो ध्यान रखिए लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ये विद्रोह हुआ था मोपला। और भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं अभी तक, ज्यादातर सब क्रिश्चियन थे। यही एक लॉर्ड रीडिंग जो गवर्नर जनरल था, यही एक यहूदी गवर्नर जनरल था जो अभी आपके आर 2015 के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ये भारत आए एकमात्र गवर्नर जनरल में कौन यहूदी था, तो वो यही लॉर्ड रीडिंग था जो आपके चेम्सफोर्ड के ठीक बाद आता है और लॉर्ड इरविन के ठीक पहले, यानी इसका जो रीडिंग का कार्यकाल है वो आपका चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन के वो इरविन के बीच वाला एरिया है। तो मोपला विद्रोह लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था 1921 में। तो इस वीडियो को या अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है, धन्यवाद।